किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगन स्टडी। एमडी यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स इस वीडियो में है, एडमिशन से और रिजल्ट से जुड़ी। कई कोर्स के रिजल्ट आए हैं और जो एडमिशन है उससे जुड़ी भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो जरूर वीडियो को देखना लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लेना। तो जो पहली अपडेट है वो यूजी और पीजी के जो इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं यानी पहले साल को छोड़कर, तो उनके लिए यहाँ पे अपडेट है कि एडमिशन से जुड़ी। तो उनका शेड्यूल एक बताया गया है डिस्टेंस के जो छात्र हैं, तो यहाँ पे कोर्स दिखा देता हूँ पहले कौन से हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो एनुअल मोड है यानी इसमें साल में एक बार पेपर होते हैं, तो जिन्होंने भी 2017 में एडमिशन लिया था तो उनका तीसरे साल का एडमिशन, तो 2017 18 19 20 में जिन्होंने एडमिशन लिया था और अब वो सेकेंड और थर्ड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है उनके लिए। और इसके बाद है यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो अब ये देखते चलना ठीक है ये साथ के साथ में यहाँ पे कि कौन से साल के एडमिशन है और अब वो कौन से साल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड थर्ड जैसे, और ये इनके साल बताए हैं कि किस साल में इन्होंने एडमिशन लिया था पहले साल में, तो ये देख लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए ठीक है। फिर डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी, फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से कोर्स के एडमिशन के बारे में है ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे ये देख लीजिए शेड्यूल क्या है, तो जो भी मैंने दिखाई है आपको कि कौन से कोर्सेज हैं उनके लिए, लास्ट डेट है बिना लेट फीस के 15 नवंबर 2021 फॉर्म भरने की ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा जो साल है आपका पहले साल को छोड़कर 500 रुपये की लेट फीस के साथ 25 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे और 6 दिसंबर तक 1000 की लेट फीस के साथ फॉर्म भर पाएंगे और 15 दिसंबर 2021 तक 1500 रुपये की लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मौका है। उसके बाद जो पोर्टल है वो बंद कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए ठीक है, तो अपना जरूर अपने यार दोस्तों को भी बता देना जिन्होंने भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी एडमिशन लेना है। तो चलिए बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में, तो लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। कौन से कोर्सेज हैं वो बता देता हूँ, BBA BCA BA LLB जो 5 साल के कोर्स हैं और MBA MCA LLB जो 3 साल के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और लॉ कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें ठीक है। तो अब इनकी जो लास्ट डेट है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये रहेगी 30 नवंबर 2021 ठीक है। तो जो पहले सेमेस्टर के छात्र हैं जो उसमें पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 30 नवंबर तक अब वो अपने फॉर्म भर सकते हैं, तो इसकी भी अपडेट जो है अपने यार दोस्तों को जरूर बताना जो इनमें एडमिशन लेना चाह रहे हो। और अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ यहाँ पे बताया गया टर्म्स एंड वैकेशंस ऑफ बीएड रेगुलर सेकंड ईयर कोर्स, तो इनका बताया गया है कि कब कब आपकी क्लासेस रहेंगी, कब आपकी छुट्टियाँ रहेंगी, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, तो ये पूरा शेड्यूल है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पूरा शेड्यूल है, इसका भी एक बार जरूर से जरूर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें जो भी बीएड के छात्र हैं ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली अपडेट क्या है, तो ये रिजल्ट घोषित करे हैं 10-12 कोर्सेज के रिजल्ट आए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस के जो छात्र हैं, तो पहला जो यहाँ पे सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स DDE यानी डिस्टेंस के जो छात्र हैं उनका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो घोषित करा गया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स का जो ऑनर्स का इकोनॉमिक्स में, तो उसमें देखिए 8वें जो सेमेस्टर का रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स 5 साल का जो कोर्स है उसमें रीअपीयर का जो 5वें सेमेस्टर का जो छात्र हैं उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स डिस्टेंस के जो छात्र हैं उसमें पहले सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। मास्टर ऑफ साइंस मैथ एनुअल ठीक है उसमें पहले साल का रिजल्ट घोषित हुआ है। मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनुअल ठीक है उसके दूसरे साल का रिजल्ट आया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री दूसरे साल का रिजल्ट जो इसमें आ गया है। MCA रीअपीयर ठीक है इसका जो है यहाँ पे 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक CBCS का जो है रीअपीयर का रिजल्ट आया है 3रे सेमेस्टर का।
इसके बाद दो और कोर्स यहाँ पे बचे हैं, जो डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पहले सेमेस्टर का रिजल्ट, वो MSc बायोटेक्नोलॉजी CBCS रीअपियर का तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी MDU के छात्रों के लिए। तो अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आई हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के अपडेट्स हमेशा मिले, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लेना। धन्यवाद।